मूलतः इस केस को लड़ रही थी, जिसको स्थानीय लोगों ने अलग थलग कर दिया था। उसके प्रधान ऋषिपाल जी हमारे बीच में हैं, प्रधान ऋषिपाल जी, अमर बाली जी और तमाम जो साथी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज शाम तक एक ऑर्डर करने वाला है। उस ऑर्डर के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 18 तारीख को, जिसके बारे में बाली जी ने पहले से बताया है, 18 तारीख को सरकार में जो अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने 8 बिंदुओं को सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में पेश किया था। और उस सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में सरकारी कागजों के हिसाब से 5 लोगों ने सरकार की उन शर्तों को मान लिया था। मैं निवेदन कर रहा हूं कि थोड़ी देर जरा आना जाना बंद कर दें, क्योंकि ये मसला ऐसा है कि एक पॉइंट इधर उधर हो जाए तो दिक्कत हो जाती है। 8 शर्तें, 8 बहुत बिंदुओं को सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पर अटॉर्नी जनरल ने दिया था। उन 8 पॉइंट पर 18 तारीख को, चूंकि उससे एक दिन पहले जो श्री गुरु रविदास जयंती समारोह समिति, जिसके अध्यक्ष प्रधान ऋषिपाल जी हैं, उनकी वकील इतने दबाव में आ गई, उसने ये कहा कि बाकी लोगों ने इस प्रस्ताव पे साइन कर दिए हैं, आप क्यों नहीं साइन करते। वो ये कह रही थी कि मैं तो आपके हित के लिए काम कर रही हूं। तो हम सब लोग साथ थे, हमने उसको कहा, बहन जी, हमारे हित को हमारे से बेहतर और कोई नहीं जानता, हमारा हित हम ही जानते हैं, और आपको कोर्ट में जो कहना है वही कहेंगी जो हमारा हित है, जिसको हम बताएंगे। उसने तुरंत हमको कहा, जी अपने कागज ले जाओ। हमने कागज ले लिए। रातों रात 17 तारीख की रातों रात हमने एक दूसरा वकील किया। आप समझते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में वकील रातों रात करने में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, उसको हमें बताने की जरूरत आपको नहीं है। रात के 2-2.5 बजे तक हम लोग, ऋषिपाल जी, मरवाली जी, हमारे संत वीर सिंह अधिकारी, वीर सिंह हितकारी जी, हम सब लोग लगे रहे। तो जब 18 तारीख को मसला कोर्ट में आया, चूंकि हमारे वकील नए थे उस केस के लिए, उन्होंने ये कहा, जज साहब कम से कम मुझे इतना समय तो दे दो कि मैं नया वकील हूं इस केस में, कि मैं डॉक्यूमेंट पढ़ लूं। चूंकि वो देश के बहुत बड़े वकील हैं, मुकेश गिरी जी उत्तराखंड कोर्ट के अटॉर्नी जनरल रहे हैं, महाराष्ट्र के भी अटॉर्नी जनरल थे, तो सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी बात सुनी, जजों ने उनकी बात सुनी, उन्होंने उनको ये कहा कि आप दोपहर बाद आ जाओ। देखा महाराज, सुबह पहले और दोपहर बाद में क्या फर्क है। तो उन्होंने कहा, एक हमारे वकील ने कहा, एक हफ्ते का टाइम चाहिए हमें। तो कहा, नहीं एक हफ्ता नहीं, आप मंडे को आ जाओ। तो आज की जो तारीख थी वो हमारे वकील के पैरवी के चलते आज तारीख लगी थी। तो जो उसमें सर्वोच्च न्यायालय के हमारे वकील ने ये कहा था कि सरकार जो कह रही है उसको रिकॉर्ड पे रखे, हमारे वकील के कहने से पहले कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं आ रही थी। तो फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी ये हमारा प्रस्ताव है, ये हमारा ऑफर है सरकार की तरफ से, ये रिकॉर्ड पर है। उसके बारे में आपको पता लग ही गया होगा कि सरकार ने हमको 8 बिंदुओं में जो बातें कही थी, एक बिंदु में उन्होंने ये कहा था कि सरकार 200 वर्ग मीटर जमीन देने को तैयार है। आपको ये पता होना, मैं बताऊंगा हमने फिर क्या जवाब दिया, वो भी आपको बताएंगे, थोड़ा लंबा है
लेकिन मैं समझता हूं कि ये हमारे समाज के लोगों को पता होना चाहिए और मैं संत समाज की इजाजत चाहूंगा कि ये विस्तार से उनको बता सके। तो दूसरे पॉइंट में उन्होंने कहा कि गुरु रविदास का जो मुख्य मुद्दा है कि गुरु रविदास महाराज का जो मंदिर बनेगा वो पोर्टा केबिन होगा, यानी कच्चा सा मंदिर होगा, कच्ची सी जगह में बनेगा, या तो लकड़ी का बना लो, प्लास्टिक का बना लो, और उसका साइज 20 फुट बाई 20 फुट होगा। तीसरी बात जो उन्होंने मुख्य कही थी उसमें उन्होंने ये कहा कि सरकार समिति का निर्माण करेगी और वो समिति इस 200 गज में जो 200 मीटर में जो मंदिर बनेगा उसका प्रबंधन देखेगी। आज हमारे वकील ने जवाब दायर किया, उस जवाब में हमारे वकील ने कहा, हमने जो जवाब दायर किया उसको मैं बता रहा हूं कि साहब ये बहुत सारे सालों से जमीन गुरु रविदास जयंती समारोह समिति के कब्जे में है और ये जमीन 12,350 वर्ग गज है। तो कहां 200 गज, कहां 200 मीटर और कहां 12,350 वर्ग गज। और ये जमीन बहुत लंबे समय से गुरुजी को दी गई थी। दूसरी बात में हमने ये कहा कि सरकार जो ये कह रही है कि लोगों को आने जाने की इजाजत होनी चाहिए, तो हमने इस बात को मान लिया कि सरकार ये कह रही है, हमारे अब किसी भी व्यक्ति को सड़क पर रहकर पूजा करने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात सरकार कह रही थी कि चमार वाला जोहड़ को वो विकसित करेगी। हमने ये कहा चमार वाला जोहड़ जो है वो हमारे मंदिर के ढांचे का हिस्सा है। चमार वाला जोहड़ हमारे मंदिर का जो कॉम्प्लेक्स है उसका हिस्सा है, वो अलग नहीं है। इसलिए जो है उसको उसका हिस्सा माना जाए और हमारी जमीन का हिस्सा है। चौथे पॉइंट में हमने ये कहा कि सरकार ने डीडीए ने जो गुरुजी महाराज की रविदास महाराज की मूर्ति उठा ली थी वो वहां पर वापस रखी जाए। पांचवे में सरकार ने कहा कि पोटा केबिन, हमने कहा कि ये 20x20 का पोटा केबिन हमें स्वीकार नहीं है। छठे में सरकार ने कहा था, छठे में हमने कहा कि जब तक लोगों को आने जाने की इजाजत रहेगी हमें कोई दिक्कत नहीं, वो बात हमने मान ली थी उनकी। सातवें में उन्होंने कहा था कि वहां पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, प्रदूषण नहीं होना चाहिए। हमने कहा जी ये ठीक है, हम भी चाहते हैं हमारे जो भक्त आने वाले समाज के उनको पॉल्यूशन से परेशानी नहीं होनी चाहिए। सातवें में यही हमने कहा कि पॉल्यूशन ना हो, हम भी इसकी कोशिश करेंगे और सरकार भी कोशिश करे। आठवां जो पॉइंट था वो एक बड़ा खतरनाक मुद्दा है, उसमें सरकार ने कहा था इस मंदिर के लिए सरकार एक समिति बनाएगी, यानी कि जो हमारी गुरु रविदास जयंती समारोह समिति है उसके नियंत्रण में जमीन नहीं रहेगी, जो ये नई समिति बनेगी उसके नियंत्रण में रहेगी। हमने कहा पिछले 1959 से ये रजिस्टर्ड सोसाइटी है और ये अभी तक उसकी देखभाल करती रही है, ये मंदिर के नजदीक है इसलिए ये अधिकार उसको ही मिलना चाहिए। ये हमने 8 बातें रखी थी। आज भी वहां पर काफी बहस हुई, हमारे वकील साहब ने बहुत बहस की, लेकिन जो सारे के सारे 4 संत थे उनके जो वकील थे उन्होंने हमारे हर प्रस्ताव का विरोध किया
उन चार लोगों का नाम तो आपको बता ही दिया गया है, उनके वकीलों ने विरोध किया। हमारा वकील बहुत बहादुरी से लगातार उन्होंने अपनी बात रखी। अंत में कोर्ट ने जो कहा, तीन बड़ी बातें कही हैं कोर्ट ने। एक बात तो कोर्ट ने यह कही है कि जो 200 स्क्वायर मीटर आप जमीन देने की बात कर रहे थे डीडीए, 200 स्क्वायर मीटर में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज का पक्का मंदिर बनाने की कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि 200 वर्ग मीटर में आप पक्का मंदिर बना सकते हो, कोई पोटा केबिन नहीं होगा। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि अब 200 वर्ग मीटर की जगह आपको 400 वर्ग मीटर जमीन दे रहे हैं। 200 की जगह कितनी दे रहे हैं? 400 वर्ग मीटर जमीन दे रहे हैं, उसकी बाउंड्री करवाएंगे। ठीक है, आप सुन लो, फिर अपनी राय महाराज जी आप लोगों से पूछेंगे। तो 400 वर्ग मीटर जमीन देने की बात सरकार ने कोर्ट में रखी है। ठीक है, दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो सरकार एक मैनेजमेंट कमेटी बना रही थी, जिसमें पहले गुरु रविदास जयंती समारोह समिति को सरकार कोई जगह देने को तैयार नहीं थी, कोर्ट ने यह कहा है गुरु रविदास जयंती समारोह समिति जो है, जो उसको मेंटेन कर रही है, उसको उस समिति का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, ये सरकार ये ऑर्डर में आएगा। तीसरी बात जो मुझे लगता है हमारे लिए काफी राहत वाली बात है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जिन बच्चों को तुगलकाबाद धाम जाने में गिरफ्तार किया गया था और जो बच्चे अब जेल से बाहर आ चुके हैं इस संत समाज के प्रयासों से, उन सारों के सारे मुकदमे वापस लिए जाएंगे, सरकार को आदेश किया है। तो ये इतनी बात कोर्ट में हुई है, हमारे सारे समाज को यह सोचना है कि आगे हमें क्या करना है। जय गुरुदेव, जय भीम, नमो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।